रहमान रहीम, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, CS506, लेक्चर 37, JSP एक्शन एंड एक्शन एलिमेंट्स एंड स्कोप। द जर्नी वी हैड स्टार्टेड ऑफ JSP, JSP का सफ़र हमने शुरू कर दिया हुआ है जी, इज़ वेरी मच कवर्ड, और इसको काफ़ी ज़्यादा कवर कर चुके हुए हैं JSY, एक्सेप्ट ऑफ JSP एक्शन एलिमेंट्स के, एक्शन एलिमेंट्स के अलावा, यानी इस सफ़र को यानी JSP को हमने करीबन लेक्चर नंबर 34 में स्टार्ट किया था। 35, 36 ये भी इसी पर ही हैं, JSP के ऊपर ही हमारे, उसके अंदर JSP को काफ़ी सारा हम लोग कवर कर चुके हुए हैं। आज हम इस लेक्चर में एक्शन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कहते हैं इन दिस हैंड आउट वी विल स्टडी यूज़ ऑफ JSP एक्शन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, और हम ये सीखेंगे कि हाउ एंड वाई, कैसे और वेयर इनको स्टोर किया जाता है जावा बींस ऑब्जेक्ट्स के साथ, और कैसे इनको शेयर किया जाता है JSP पेजेस के दरमियान जी। तो JSP एक्शंस एलिमेंट्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, हमें एलिमेंट्स अलो अस, हमें इजाज़त देते हैं टू वर्क विद जावा बींस के साथ काम करने की। तो इंक्लूड पेजेस, पेजेस को इंक्लूड करते हैं कब, रिक्वेस्ट के टाइम पर, और उसे फॉरवर्ड करते हैं रिक्वेस्ट को अदर सोर्सेस। अगर ये फॉर्मेट इसका, इसको हम लिखेंगे कैसे, ओपनिंग टैग को यूज़ करेंगे, उसके बाद बॉडी आएगी, बॉडी के बाद उसको क्लोज कर देंगे। ये आप लोगों ने ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग को अच्छे तरीके से देख लेना है, ये कैसे लिखा हुआ है, क्लोज कैसे किया गया हुआ है और ओपन कैसे हो रहा है। इसके बारे में अक्सर MCQs भी पूछ लेता है और 2 नंबर का शॉर्ट सवाल भी दे देता है कि XML सिंटैक्स का यूज़ करते हुए उसका फॉर्मेट लिखे जा ओपनिंग और क्लोजिंग का। अच्छा, एम्प्टी टैग जो होता है उसको हम कैसे लिखेंगे। एम्प्टी टैग से मुराद यहाँ पर है विदाउट बॉडी, यानी जिसके अंदर बॉडी नहीं होगी। तो JSP लिखेंगे, एक्शन एलिमेंट्स आएगा और एट्रीब्यूट की वैल्यू आ जाएगी, तो बॉडी वाला कंसेप्ट भी क्लियर ख़त्म हो जाएगा। और ये क्लोजिंग टैग इसके बाद जी तो आ जाएंगे जी सम JSP एक्शन एलिमेंट्स। कुछ JSP एक्शन एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं, ये जो ऊपर हैं वर्क विद जावा बींस, वो हैं जी यूज़ बींस है, सेट प्रॉपर्टी है और गेट प्रॉपर्टी है। तीन हम यूज़ करते हैं किसके साथ जी, जावा बींस के साथ वर्क करने के लिए। और उसके बाद है जी इंक्लूड रिसोर्स एट रिक्वेस्ट टाइम, रिक्वेस्ट टाइम पर रिसोर्स को इंक्लूड करने के लिए हम JSP इंक्लूड को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू एन अदर JSP के लिए या सर्वर के लिए हम JSP फॉरवर्ड को यूज़ करते हैं। टू वर्क विद एप्लेट्स, एप्लेट्स के साथ काम करने के लिए प्लग इन को यूज़ करते हैं जी। वर्किंग विद JavaBeans, JavaBeans के साथ वर्क यूजिंग JSP एक्शन एलिमेंट्स, JSP एक्शन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए JavaBeans के साथ काम करना। तो 3 एक्शन एलिमेंट्स यूज़ होते हैं तो वर्क विद JavaBeans के साथ। तो 3 हम ऊपर अभी रीड करके भी आए हुए हैं, यूज़ बिन है, सेट प्रॉपर्टी और गेट प्रॉपर्टी है। JSP यूज़ बिन्स एक्शन एलिमेंट्स, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन अ रेफरेंस टू एन एग्जिस्टेंस JavaBeans। तो ये रेफरेंस के लिए यूज़ होते हैं, ऑब्टेन अ रेफरेंस के लिए, और एग्जिस्टेंस JavaBeans जो होती है ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग किसको, ID को और स्कोप को, विच बीन स्टोर्ड इफ अ रेफरेंस नॉट फाउंड द बीन इज इंस्टेंशिएटेड। अच्छी फॉर्मेट है ऑफ दिस एक्शन एलिमेंट का जी, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ये जो हमारा यूज़ बिन ऊपर हम पढ़ के हटे हैं, अभी रीड करके हटे हैं, किस लिए यूज़ होता है, JSP यूज़ बिन, आगे ID आएगी और ID में क्या लिखेंगे हम, नेम लिखेंगे इसका, उसके बाद इसका ये क्या आ जाएगा जी, स्कोप आएगा और ये क्लोज हो जाएगा। हमारा एक्शन एलिमेंट है जो हम JavaBeans के साथ यूज़ करते हैं वो है सेट प्रॉपर्टी, टू सेट आर चेंज द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक बीन, जिस सेट प्रॉपर्टी और चेंज प्रॉपर्टी के लिए यूज़ होता है। वैल्यूज आर कन्वर्टेड टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज बाय यूजिंग द रिलेटेड कन्वर्जन मेथड।
रिलेटेड जो कन्वर्टर कन्वर्जन मेथड है उसको यूज़ करते हुए प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया जाता है, किसकी वजह से, स्ट्रिंग वैल्यूज़ आर कन्वर्टेड जी। तो फॉर्मेट ऑफ दिस सेक्शन, तो इसका फॉर्मेट क्या है, इसको कैसे लिखेंगे जी, JSP है, सेट प्रॉपर्टी नेम है, प्रॉपर्टी नेम में बीन नेम और ID। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल टू चेंज द नेम, उसकी एग्जांपल दी हुई है प्रॉपर्टी ऑफ एम को यूज करते हुए, स्टार्टिंग टैग लगा हुआ है एम डॉट सेट प्रॉपर्टी, आगे प्रॉपर्टी जो चेंज हो रही है अली, और इसको क्लोज कर दिया गया हुआ है जी। तीसरा हमारा एलिमेंट है एक्शन एलिमेंट जो हम जावा बीन के साथ यूज़ करते हैं, वो गेट प्रॉपर्टी यूज टू रीट्राइव द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, रीट्राइव्स के लिए यूज होता है, और कन्वर्ट्स इट टू स्ट्रिंग एंड राइट्स इट टू आउटपुट स्ट्रिंग। तो इसका जो फॉर्मेट है जी एक्शन का, JSP गेट प्रॉपर्टी नेम है, बीन नेम और ID, प्रॉपर्टी नेम और जी क्लोजिंग टैग। नीचे इसको स्क्रिप्ट कोड को लिखा हुआ है, किस तरह से आप लोग लिख सकते हैं इसको आप लोगों ने देखना है जी। कहता है अचीविंग अबव फंक्शनैलिटी यूजिंग JSP गेट प्रॉपर्टी एक्शन एलिमेंट विद लुक लाइक दिस, इस तरह से लिखा हुआ नज़र आएगा हमें जी, जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे कोड को। आगे जी एग्जांपल कोड, कैलकुलेटिंग सम ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग एक्शन एलिमेंट एंड जावा बीन और एक्शन एलिमेंट का यूज़ करते हुए हम दो नंबर्स को सम करने के लिए कोड लिखेंगे जी। तो उनमें फर्स्ट नंबर होगा, सेकेंड नंबर होगा, सम होगा, ये तीन एट्रीब्यूट्स को हम लोग इस्तेमाल करते हुए सम का जो प्रोग्राम है वो छोटा सा नंबर को सम करने वाला लिखेंगे जी। जहाँ पर इंपोर्ट फाइल है जी जावा की आयो, और जहाँ पर क्लास डिक्लेयर की गई, फर्स्ट नेम सेकेंड नेम सम आर्गुमेंट पास हो रहा है, तो आप लोगों ने ये रीड कर लेना है। x.jsp जो है ये जो पेज है आपको डिस्प्ले करवाएगा टू टेक्स्ट फील्ड इंटर नंबर्स इनटू देम, यानी दो नंबर लिखने के लिए आपको इस तरह के बुक्स देगा, यानी टेक्स्ट बुक्स जिसके अंदर हम दो नंबर को इंटर कर सकेंगे। जी तो result.jsp हमें दिखाएगा कि पेज विल कैलकुलेट द सम ऑफ टू इंटर नंबर्स बाय यूजर एंड डिस्प्ले द सम बैक टू द यूजर, यानी ये वाला जो कोड लिखा गया हुआ है result.jsp में, ये दो नंबर जो हम लोग यूजर देंगे उसको प्लस करेगा और हमें दिखा देगा जी। तो ये कोड भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। अगर जी शेयरिंग बीन्स ऑब्जेक्ट्स को, तो पहला जो इसका हिस्सा था एक्शन एलिमेंट वाला वो हम लोग कवर कर आए हुए हैं, अब हम चले हैं इसके स्कोप की तरफ। तो ये सो फार कहता है वी हैव लर्न्ड द फॉलोइंग टेक्निक्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, हम फॉलोइंग ये वो जो मंदरजाल टेक्निक्स हैं इनको यूज करेंगे किस काम के लिए, क्रिएट ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये है इम्प्लिसिटली थ्रो JSP डायरेक्टिव्स है, इम्प्लिसिटली थ्रो एक्शंस है, और डायरेक्टली यूजिंग स्क्रिप्टिंग कोड है जी। जी तो पेज क्या है जी, कहता है ये डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्कोप एट्रीब्यूट है, और प्रैक्टिस में बीन क्रिएटेड विद पेज स्कोप आर ऑलवेज एक्सेस्ड बाई JSP गेट प्रॉपर्टी और JSP सेट प्रॉपर्टी स्क्रिप्ट आर एक्सप्रेशन लेटर इन द सेम पेज, दिस विल बी मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायाग्राम जी। ये जो कहता है पेज का कंसेप्ट है डायाग्राम के साथ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जी। नीचे यहाँ पर फर्स्ट पेज लिया गया हुआ जी, उसके बाद जब रिक्वेस्ट सेंड हुई सेकेंड पेज की तरफ आ गई, फिर ये थर्ड पेज, यहाँ पर R का ऑप्शन भी है, इसको भी ज़हन में रखना जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी, जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया मेवन M के नेम से, उसके अंदर नेम जो है अली को वो स्टोर कर दिया गया हुआ है। ये सारी जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, जो सारी बात ये इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है जी। फर्स्ट कहता है JSP जनरेट करता है एक रिक्वेस्ट को, और रिक्वेस्ट 1 जो है ये सबमिट हो जाती है किसको,
सेकंड जीएसपी को, फिर सेकंड जीएसपी क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है एम ऑफ मेवन के ये वाला ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, और स्टोर करता है वैल्यू अली को फॉर नेम प्रॉपर्टी बाय मेकिंग कॉल टू अप्रोप्रिएट सेटर मेथड। तो ये सेटर मेथड को यूज़ करते हुए ये वाला जो ऑब्जेक्ट बनाकर इस प्रॉपर्टी को अली नेम की को सेव कर रहा है। इस तरह नीचे फिर वही डायग्राम आ रही है, फर्स्ट सेकंड जीएसपी के पास चला गया, ठीक हो गया, थर्ड आप इसमें और फोर्थ। सेकंड जो है कहता फॉरवर्ड करता है जी फिर सेम रिक्वेस्ट को किसके पास, थर्ड जीएसपी के पास, और स्कोप ऑफ एम जो है उसी तरह जो थर्ड है अब उसका ऑब्जेक्ट बना देगा जी, ऑब्जेक्ट बना के इस नेम अली को सेव कर देगा। तो इसको आपने रीड कर लेना है मज़ीद समझने के लिए जी। सेशन आ गया जी आगे, सेशन होता है क्या है कि जब यूज़र या क्लाइंट जो है लॉगिन हो जाता है सर्वर के साथ रबते में हो जाता है, यूं ही रबते के साथ होता है तो उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है कि ये इतने टाइम से ये इसके साथ कनेक्टिंग में है। तो वो जो कनेक्शंस है असल में वो सेशन, जितनी देर वो कनेक्टिंग में रहेगा वो उसके सेशन को बनाता है जी, सेशन के बारे में बताता है। तो ये दिखाई गई है कि फर्स्ट है सेकंड है, रिक्वेस्ट सेंड की गई है, और फिर जी जब तक इसके साथ तल्लक में रखा एचटीटीपी सेशन, तो ये सेशन क्रिएट हो जाएगा इसका। एप्लीकेशन है जी, ये कहता है यूजफुल वैल्यू मींस डेट है एडिशन टू बीइंग बाउंड लोकल वेरिएबल है जी। तो जीएसपी में क्या होगा, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे फिर सेकंड पे आएगी, इसी तरह थर्ड और फोर्थ। बेसिक आ जाकर क्या करेगा, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा माई बीन एम के नेम से और उसमें अली को स्टोर करवा देगा। ये जितनी पिक्चर्स ऊपर हैं इसको मुख्तलिफ मेथड के ज़रिए से क्या करवाया गया है, ये माई बीन एम के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और उसमें अली के नाम को स्टोर किया जा रहा है। तो समरी ऑफ ऑब्जेक्ट सब स्कोप है जी, तो सबसे जो मोस्ट विजिबल है वो हमारी एप्लीकेशन होती है जिसका तल्लक जो होता है यूज़र के साथ जी, और लीस्ट जो विजिबल होता है वो हमारा पेज होता है जी। तो क्लाइंट आ गया जी, यहाँ पर एग्जांपल की मदद से जब पिक्चर की मदद से इसे समझा गया, क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करता है रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसको फिर रिस्पांस मिलता है, क्या करता है रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसको रिस्पांस मिलता है। तो ये अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेशन और एप्लीकेशन स्कोप, कंसीडर द फॉलोइंग। अब सेशन और एप्लीकेशन स्कोप को मजीद पिक की मदद से दिखाया गया हुआ है कि ये क्लाइंट है जी, ये सर्वर के साथ कनेक्ट में आ रहा है, तो सेशन आईडी जो पहले क्लाइंट की वन है और दूसरे की टू है। तो अब ये जो है पहला क्लाइंट इसके साथ सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ तो पहले का सेशन स्टार्ट हो गया हुआ है, और जब दूसरा क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ तो दूसरे का सेशन स्टार्ट हो गया, और दोनों का अलग अलग सेशन जो है स्टार्ट हो रहा है जी। आगे इसी तरह फिर वही क्लाइंट वन है, क्लाइंट टू है, इनका सेशन जो है आईडी वन और आईडी टू से स्टार्ट हो गया है, और दोनों ही एक एप्लीकेशन को एक ही टाइम में एक्सेस कर पा रहे हैं, एक ही टाइम पर दोनों क्लाइंट जो हैं एक ही टाइम पर एक ही एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, और दोनों का टाइम जो है वो लैदा लैदा सेशन का काउंट हो रहा है। मोर जीएसपी एक्शन एलिमेंट्स, टू इम्पोर्टेंट एक्शन एलिमेंट्स जी, इंक्लूड और फॉरवर्ड का यहाँ पर कहते बताया जाएगा जी। क्या है जी, इंक्लूड एक्शन किस लिए यूज़ होता है, यूज़ टू इंक्लूड फाइल एट रिक्वेस्ट टाइम, ठीक होगी, ये आगे एग्जांपल आपने देख लेनी है। तो इसका आगे ये सिंटैक्स लिखा हुआ है जी, जेएसपी एलिमेंट रिक्वायर टू एट्रीब्यूट पेज एंड फ्लैश, यानी इंक्लूड एक्शन जो एलिमेंट है इसको कितने एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होते हैं, दो एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होते हैं जी, किसके लिए, फाइल को इंक्लूड करने के लिए रिक्वेस्ट टाइम पर। कौन कौन से हैं जी वो एट्रीब्यूट, एक पेज का और दूसरा फ्लैश का जी। तो ये आगे इसी को ही मजीद डिटेल में समझाया गया है ये किस तरह से काम करता है, आपने इसको एक बार रीड कर लेना है। फॉरवर्ड, जे एस पी फॉरवर्ड एक्शन एलिमेंट, फॉरवर्ड एक्शन एलिमेंट किस लिए यूज़ होता है, यूज टू फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू अनदर रिसोर्स, यानी दूसरे रिसोर्स के ऊपर रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए यूज़ होता है। तो ये इसका सिंटैक्स है, जे एस पी फॉरवर्ड पेज और वन पेज डॉट जे एस पी,
और क्लोजिंग टैग जी। तो ये फॉर एग्जांपल कहता है टू फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू वन जेएसपी स्क्रिप्ट कोड विल लुक लाइक। तो जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये इस तरह से आपको कोड उसका नज़र आएगा। ये कोड लिखा गया है वह जी रा हाँ जी। तो रेफरेंसेस इसका मतलब, वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप लोग लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं।